सीरियल कयामत की रात में हो गई है एक नई एंट्री। जो रूप बदल बदल कर काला सुर की बहन उमा को डरा रही है, कभी गौरी तो कभी कोई और। रूप बदलने में माहिर ये लड़की उमा के होश उड़ा रही है। कौन है? हाँ? कौन है तू? उमा को डराने के बाद ये लड़की जिसका नाम अवनी है, अपना यहाँ आने का मकसद बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि काला सुर की ही साथी है जो उमा की मदद करने आई है। कौन है तू? सच सच बता, कौन है तू? अभी तक तो उमा अकेले ही गौरी और राज की जिंदगी में तूफान ला रही थी और कालासुर को जिंदा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उमा को अवनी का साथ भी मिल गया है। देखिए कैसे गौरी को आता देख अवनी सावित्री को हवा में लेकर उड़ गई, ताकि ना तो सावित्री गौरी तक पहुंच पाए और ना ही उनकी आवाज गौरी सुन पाए। भाई ये नज़ारा देखकर तो कहना पड़ेगा कि अवनी से निपटना गौरी के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन सवाल ये है कि ये अवनी है कौन, कहां से आई है और इसके इरादे क्या हैं? चलिए अवनी से ही जानते हैं इन सवालों के जवाब। ओके, अवनी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। मेरी परसों ही एंट्री हुई है एंड व्हेन यू विल सी द एंट्री यू विल गेट टू नो। बेसिकली अवनी कैन डू एनीथिंग, अवनी कैन ट्रांसफॉर्म इनटू एनीथिंग एंड ऑल्सो मेक एनीथिंग डिसअपेयर। तो अवनी के पास बहुत सारे पावर्स है और वो यूज कर रही है। वो बेसिकली तो उमा की हेल्प के लिए आए हैं। अब कैसे उमा और वो मिलके जाल बिछाते हैं, दैट तो यू हैव टू वॉच एंड सी। वैसे अवनी, अगर आप उमा की मदद करने आई हैं, तो आपने उन्हें डराया क्यों था? वो थोड़ा सा मजाक था उमा के साथ, जस्ट टू हैव अ लिटिल फन। दैट्स द कैरेक्टर ऑफ माइंड कि मैं मस्ती मजाक में काम करती हूँ, जो भी काम करती हूँ, तो वही थोड़ा सा ग्लिम्स उमा को देना जरूरी था, तो आई थिंक इसलिए। मुसीबतों के इस बवंडर में गौरी की इकलौती उम्मीद राज की असली माँ सावित्री हैं, लेकिन अवनी आप तो उन्हें हवा में ले उड़ी हैं। इसके बारे में क्या कहेंगी आप? बेसिकली सावित्री कुछ ऐसा कर रही हैं जो हमें रोकना है, और इसीलिए उमा भी सावित्री के पीछे हैं। तो कालासुन ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं उमा की प्रोटेक्शन करूं। तो सावित्री, अगर उमा के साथ प्रॉब्लम है तो मैं सावित्री को ऑब्वियसली नहीं छोड़ूंगी। उमा को मिल गया है अवनी का साथ। अब देखना ये है कि उमा और अवनी कैसे जिंदा करेंगी कालासुर को और गौरी कैसे रोकेगी इनके खतरनाक इरादों को। मुंबई से अपर्णा द्विवेदी की रिपोर्ट, E24।